कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं हमारे समर वेकेशन का होमवर्क। क्लास फोर्थ की हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों, सब्जेक्ट है इंग्लिश। देखिए बच्चों, 25 मई 2021 को हमें क्या वर्क यहाँ दिया गया है। रिमेम्बरिंग द वॉवल्स, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अंडर द करेक्ट आर्टिकल टाइप। देखिए बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में वो कितने होते हैं, 26। ठीक है बच्चों, उनमें से हमारे वॉवल्स कौन से होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 वॉवल्स हमारे होते हैं। इनके साथ हमेशा बच्चों किसका यूज़ होता है, इनके साथ हमेशा एन का यूज़ होता है बच्चों। बाकी 26 में से 5 हमारे वॉवल्स हुए, और रिमेनिंग जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ हमारा ए का यूज़ होता है। ठीक है, आया सभी को समझ में। तो बच्चों यहाँ बोला गया है हमें कि ए और एन के साथ किन किन का यूज़ होता है, हमें ये वर्ड्स हैं इनको यहाँ से करेक्ट लिख करके यहाँ लिखना है कि कौन सा किस बॉक्स में आएगा। मैन, मैन, अ मैन, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ठीक है बच्चों, क्योंकि एन देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, मैंने अभी आपको बताया कि इनके साथ हमेशा एन आएगा। ठीक है, चलिए, फ्लावर, अ फ्लावर, बनाना, अ बनाना, इरेजर, एन इरेजर। ठीक है, ये देखिए, ई, ई के साथ हमेशा एन आएगा। एप्पल, ए, ए के साथ हमेशा एन आएगा, एन एप्पल। अ बुक, अ कार, एन इंक पॉट। अ पेन, अ वुमन, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। अ मूवी, एन एग, बच्चों इसे करेक्ट कर लीजिए, ये आंट होगा, ए एन टी, आंट, एन आंट, एन अंकल, अ लायन, अ लायन, एन आई, अ फैन। ओके स्टूडेंट, आया सभी को समझ में कि एन किस किस के साथ आता है और एन किस किस के साथ आता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, ईट स्टीम राइस एंड वेजीज, ड्रिंक मैंगो और बनाना शेक, फैमिली फन टाइम, मिमिक्री ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, प्ले विद योर फैमिली। मिमिक्री मीन्स होता है बच्चों कॉपी करना। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी, प्रेस द हैंड प्रिंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन योर रफ नोटबुक एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस केयरफुली। ठीक है बच्चों, तो आप सभी वीडियो देखिए ध्यान से, वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।